क्वेश्चन कह रहा है कि टू लैम्प जो है वो सीरीज में कनेक्ट है, एक 40 वैट का और 60 वैट का। इसके एक डायग्राम बना लेते हैं। दो लैम्प है, एक 40 वैट का और एक 60 वैट का, और ये दोनों सीरीज में है। ये 40 वैट का है, ये 60 वैट का है। इसके अक्रॉस जो है वो V1 रहेगा, इसके अक्रॉस V2 रहेगा, और ये मेन वोल्टेज। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, P = V² / R, क्योंकि यहाँ पे पावर भी है, रेजिस्टेंस भी रहेगा और वोल्टेज भी रहेगा। अब यहाँ पे एक नोट है हमारे पास, वो नोट अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली हमें मिल जाएगा। नोट है, जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा। उसी तरह से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हीट ज़्यादा होगा। हीट ज़्यादा होगा मतलब ब्राइटर होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था, हमारे पास एक फार्मूला मिला था, V = V² / R, ये एक फार्मूला था। उसी हिसाब से एक हीट के लिए फार्मूला है, I = I² RT। ठीक है, तो हीट और रेजिस्टेंस ये फिर हमें यहाँ पे मिल गए कि हीट और रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो हीट ज़्यादा क्रिएट करेगा। अब हम बोल सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R, तो जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो हीट ज़्यादा होगा। ये अभी हमने देखे थे। तो इस हिसाब से केस 1 मान लेते हैं, हम केस 1 लेते हैं 40 वैट के लिए, और एक केस लेंगे हम 60 वैट के लिए। अब पावर 40 वैट कम है तो P = 1/R, 60 के कंपैरिजन में 40 वैट का पावर कम है तो ये इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पावर ये रेजिस्टेंस जो है वो पावर के कंपैरिजन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में क्या होगा, 1/R, तो पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, और यहाँ पे भी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है हमें कि इन दोनों के कंपैरिजन में 40 वाट का जो लैम्प है वो ज़्यादा ब्राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो हीट ज़्यादा होगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो दिए हुए उसमें से आंसर रहेगा 40 वैट, जो लैम्प ज़्यादा ब्राइटेड रहेगा।
यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हीट के लिए फार्मूला है ये, एच इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। हीट जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। पिछली बार हमने कैलकुलेशन नहीं किया था, डायरेक्ट ही देखा था इस फार्मूले से। अब हम देखते हैं कि पी 40 का रेजिस्टेंस कितना रहेगा, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो इसका हमें रेजिस्टेंस अब निकालना है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी लिख सकते हैं। तो इसका जो वोल्टेज है हम मान लेते हैं, इसका वोल्टेज है 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट इंटू 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय पावर है 40 वाट। तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 13.2.5 ओम। उसी तरह से P60 के लिए हम निकाल लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी। तो वोल्टेज तो सेम है, सिर्फ हमारा पावर चेंज हुआ था। तो पावर है 60, तो इसको अगर कैलकुलेट किए तो ये आ जाएगा 881.6 ओम। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 60 वैट के लिए हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा था, 40 वैट का रेजिस्टेंस ज़्यादा था और 60 वैट का रेजिस्टेंस कम था। तो इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं इस फार्मूले को कंसिडर करके कि एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वेयर आर टी। इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, एच और आर, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी हीट ज़्यादा, उसकी हीट ज़्यादा तो वो ज़्यादा ब्राइटेस्ट रहेगा। तो इसके आंसर हम इजीली बोल सकते हैं कि जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। इस तरह से हम बोल सकते थे, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी हीट ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ज़्यादा ब्राइट रहेगा वो 40 वाट का लैम्प रहेगा।